Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shubham Dwivedi and you are watching Economics Easy है. दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बहुत important topic that is Bessel norms. तीन होते हैं Bessel norm number one, number two, number three. लेकिन अगर आप सीधा बुक से पढ़ोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी. मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी रमेश सिंह में ये जो बैंकिंग इन इंडिया है चैप्टर नंबर 12, इसमें ये वाला टॉपिक यहाँ पर दे रखा है. ये जो है ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और बेसल थ्री, ये चीज़ें, ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करें. अब आपको सर आप ये जंप क्यों मारो? दोस्तों इसमें टॉपिक आगे पीछे करके दे रखा है. मैं सीक्वेंस चला रहा हूँ और मेरी इसी सीक्वेंस से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलो यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं. अब बेसल नॉर्म्स क्या होता है पहले ये बताओ, तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने BIS के बारे में बात की थी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट? नहीं देखी और अगर देख भी लिए तो चलो मैं रिविजन करता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि लास्ट क्लास वाली चीज़ें यहाँ पर इंटरलिंक करेंगी. इस वजह से हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर 1930 के अंदर ग्लोबल डिप्रेशन आया था, जिस डिप्रेशन में अमेरिका की सेंट्रल बैंक्स भी फेल हो गई थी और उसी की देखा देखी में बाकी जो सेंट्रल बैंक है वो भी फेल हो गई. तो इकॉनमी के अंदर एक ग्लोबल क्राइसिस आया 1930 के अंदर. तब हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर बैंकों के बाप यानी सेंट्रल बैंक का भी कोई बाप होता यानी दादाजी होते तो कितना अच्छा होता. तो इस बात को लेकर 30 मई 1930 को, ठीक है, 1930 को क्या हुआ था, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का गठन किया गया था. अच्छा 17 मई 1930 को BIS का गठन किया गया और ये इंश्योर किया गया कि जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की काम कौन करेगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, बेसिकली इसका ये काम होगा और ये दोबारा वैसी सिचुएशन नहीं आने देगा जैसी वो पहले बोलता था, ठीक है. तो अब इनके द्वारा BIS के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे उन्हीं को बोलते हैं बेसल नॉर्म्स. उन्हीं को क्या बोलते हैं अपने पास, बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होते हैं, इक्वली अप्लाई होते हैं, ठीक है. चलो अब देखो बेसल नॉर्म्स का मतलब क्या है. फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रूल्स वी नीड अ स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स और अकॉर्ड्स. मतलब कि अगर हमें इकोनॉमी के अंदर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारना है तो ऐसे में जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी की जिसको हर कंट्री माने और हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अपनी अपनी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर इम्पोज करे ताकि वो भी इस रूल्स का फायदा उठा सके. जो बेसल है, बेसल नॉर्म्स मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेट होता है एग्रीमेंट का जो कि BCBS के द्वारा बनाया जाता है. जिसने हमारी लास्ट क्लास उसे पता है BCBS का मतलब क्या होता है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. मैं रिपीट कर दूं, BCBS का मतलब होता है बेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविजन. तो जो ये कमेटी है, ये कमेटी क्या करता है, बेसल नॉर्म्स को बनाने का काम करता है. अब देखो जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो थोड़ी ही काम करेगी, उसके अंदर एक कमेटी है जो BCBS है वो काम करेगी बैंक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का. और जो BCBS के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे इंटरनेशनल लेवल पे उन्हीं को हम बोलते हैं बेसल नॉर्म्स. और ये रूल्स एंड रेगुलेशन तीन बनाए गए थे लेकिन एक साथ नहीं बनाए गए थे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद बनाए थे. तो बेसल 1, 2, 3 हम इसके अंदर कवर अप करने के लिए जा रहे हैं. अच्छा एक बात बताओ, जो बेसल नॉर्म्स होते हैं वो कौन इशू करता है, हमारे पास BCBS इशू करता है. BCBS मतलब बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. और ये जो कमेटी कब बनाई थी, 1974 के अंदर. दोस्तों अगर आपने लास्ट क्लास ली तो आपको अच्छे से याद होगा, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना जो BIS है ये कब बना था, 1974 के अंदर, जिसमें G10 शामिल होता है. याद है, लिंक करवा रहा हूँ आपको पिछली क्लास और इस क्लास को, ठीक है. चलो तो BCBS जो है वो 1974 में बनाया गया था. अब बेसिकली इसको बनाने के पीछे का रीज़न क्या था, ताकि ग्लोबल डिप्रेशन जैसी सिचुएशन को दोबारा से जन्म ना होने दे. इसीलिए सभी शेड्यूल्ड बैंक को कहा गया कि आपको मिनिमम इतनी कैपिटल जो है वो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, अगर बैंक ने अपने पास, बैंक के पास टोटल एसेट्स हैं 100 रुपए के, तो कहा जाता है इसमें ये देखो कि 100 रुपए में से बैंक का रिस्क कितना है. मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो. मैंने कहा कि बैंक की बैलेंस शीट पर ध्यान दो, बैंक की बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स पर ध्यान दो. हमने देखा कि जो एसेट्स है बैंक की, लेट सपोज वो 100 रुपए के, एक एग्जाम्पल छोटी फिगर का रखते हैं, 100 रुपए की बैंक के एसेट्स है. अब ये चेक करो कि जितनी भी एसेट्स है उसमें कितना रिस्क है. अच्छा एक बात बताओ, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया तो वो बैंक के लिए क्या है, एसेट्स है. और अगर बैंक ने लोन लिया तो उसके लिए लायबिलिटी है. भाई एक बात बताओ, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए वही चीज़ क्या है, एसेट्स, मतलब एक संपत्ति है. अब ये बैंक देखती है कि जो उसकी संपत्ति यानी एसेट्स है उसमें से कितना कितना रिस्क है. अब अगर मैं बात करूँ, बैंक ने अगर गवर्नमेंट को लोन दिया तो रिस्क 0% है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो. लेकिन यही बैंक ने अगर फार्मर को लोन दिया तो 100% रिस्क है. यही बैंक ने अगर मुकेश अंबानी या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया तो 100% है. और विजय भैया जैसे लोगों को दिया, या नीरव भैया जैसे, नीरव मोदी और विजय माल्या ये दोनों मेरे भैया हैं, ठीक है, भैया समान है, इन दोनों भैया को अगर लोन दिया तो बेटा आप मान के चलो कि आप पहले दिन लिख लो कि ये पैसा नहीं मिलने वाला. मतलब कि आप ये चेक करो कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं, उन एसेट्स में से रिस्क कितना कितना है.
एसेट्स में से रिस्क कितना है, मैंने भी बोला एसेट्स 100 रुपए के, देखो रिस्क कितना है, तो देखा गया ऑन एन एवरेज जो है वो 30% का रिस्क है। इसका मतलब मुझे लगता है कि रिस्क अगर 30% है यानी मेरा 30% पैसा डूब सकता है। तो एक बात बताओ, 100 रुपए के एसेट्स में अगर 30% रिस्क है तो नेट एसेट्स कितने बचे, 70 रुपए के, क्योंकि 100 में से 30% तो रिस्क है, बचे कितने 70 रुपए। तो कहा गया ये जितने 70 रुपए इसका 8%, मैं रिपीट करता हूँ, 70 रुपए का 8%, 8% पैसा मेंटेन कर लो रिजर्व के रूप में। पूरे एसेट्स का मत करो, RWA का करो, रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% पैसा आप अपने पास मेंटेन करके चलो रिजर्व के रूप में, और इसी को कहा गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और यही चीज BCBS में डिसाइड किया गया था 1974 में, जो ये कमेटी ने फर्स्ट मीटिंग रखी थी BCBS ने, इस BCBS ने यही बोला कि सभी के सभी जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उनको अपने पास CAR मेंटेन करना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि कल को अगर बैंक्स फेल हो जाएं तो भी बैंक के पास इतनी कैपिटल हो कि वो अपने सर्वाइवल को कर सके। बोलो क्लियर है? अब जो बेसल नॉर्म्स हैं ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, मतलब ऑप्शनल है, अगर आपको माननी है तो अच्छी बात है, नहीं माननी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अब आपको सर मैंडेटरी नहीं तो कोई क्यों मानेगा? भाई साहब एक बात बोलूं, बेसल नॉर्म्स जिसने फॉलो कर लिए उसकी कंट्री आगे पहुंच जाएगी, नहीं फॉलो की तो नहीं पहुंचेगी। इस बात के लिए ये ऑप्शनल तो बोलती है, लेकिन फिर भी कंट्रियाँ फॉलो अप कर लेती हैं, कहती नहीं बोला है तो चलो कुछ ना कुछ सोचकर ही बोला होगा। ठीक है, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग अगर कुछ बोलते हैं तो वो बिल्कुल सोचकर बोलते हैं। तो वही बेसल नॉर्म्स जो है वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, ऑप्शनल है, लेकिन इंडिया ने इनको मैंडेटरी कर दिया। यही चीज़ इंडिया की मुझे बहुत अच्छी लगी कि वैसे बेसल नॉर्म्स क्या बोलेगे कि जो 60 मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल तो है, लेकिन अगर वो चाहें तो, लेकिन इंडिया ने बोला बिल्कुल हम चाहेंगे क्यों नहीं, बल्कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया अपनी सभी कमर्शियल बैंकों की तुम्हें बेसल नॉर्म्स सारे के सारे फॉलो करना, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो। चलो ये तो अच्छी बात है, इससे हमारे इंडिया के अंदर जो लिक्विडिटी है, जो बैंक को लेकर ट्रस्ट है, वो और भी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर इसका पूरा सिस्टम क्या होता है, पूरा क्राइटेरिया क्या होता है, और क्राइटेरिया को समझाता हूँ। क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है, देखना क्राइटेरिया ऐसा है कि बैंक को बोला जाता है कि मैं लेट सपोज बैंक की बैलेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है, बैलेंस शीट में बैंक की यहाँ पर एसेट साइड होती है, यहाँ लाइबिलिटीज होती है। अच्छा, बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है? जैसे कोई बंदा अपने पास सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करता है पैसा, तो बैंक की लाइबिलिटी है एक अमाउंट वो उसे पे करे। बैंक में कोई FD खुलवाता है, बैंक की लाइबिलिटी है। बैंक में कोई अपना रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाता है, वो उसकी लाइबिलिटी है। तो ये सारी बैंक की क्या होती है? अपनी लाइबिलिटी होती है। बैंक के कुछ एसेट्स होते हैं, लेट सपोज लोन्स एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक किसी को लोन्स एंड एडवांसेस देती है, तो वो बैंक की क्या है? एसेट्स, कि वो उनसे बाद में फ्यूचर में पैसा मांग सकती है, तो वो बैंक की क्या बन गए? एसेट्स बन गए। ठीक है, अब क्या होता है, कहा जाता है बेसल नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि भाई ऐसा है कि जितने भी बैंक्स हैं जिन्होंने ये सब किया है वो अपनी एसेट्स में से देखें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बैंक के पास जो एसेट्स होंगे, एक तो वो होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने लोन दिया है, एक वो होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, एक वो होंगे जिसने होम लोन लिया हुआ है, होम लोन, एक ने लिया हुआ कार लोन, एक ने लिया हुआ एजुकेशन लोन। ठीक है, ये सारे लोन है। लेट सपोज अभी मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, 5 लोन ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस बैंक ने, जिस बैंक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसने गवर्नमेंट को दिए हैं 100 रुपए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए हैं 100 रुपए, लोन के दिए हैं हाउस लोन के 200 रुपए, कार लोन के दिए हैं 500 रुपए, और एजुकेशन लोन के दिए हैं 1000 रुपए। तो यानी बैंक के टोटल एसेट्स कितने हो गए? ये देखो 200, 400, 400 और 900, 1900 करोड़ रुपए। ये पूरी फिगर हमारी करोड़ में, ठीक है, चलो 1900 करोड़ के बैंक के क्या हो गए? एसेट्स हो गए। तो हमारे बेसल नॉर्म्स क्या बोलते हैं? बेसल नॉर्म बोलते हैं आपको कुछ रिजर्व मेंटेन करना है। रिजर्व मतलब एक गुल्लक बनानी है जिसमें वो पैसा डाल दोगे, और कल को अगर कोई लाइबिलिटी या तुम्हारे पास कोई पैसे की लिक्विडिटी की शॉर्टेज आती है तो उससे आप मीट आउट करवा सकते हो, तो इससे तुम सिक्योर रहोगे। अगर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक सिक्योर हो जाएगी ना, तो समझो कमर्शियल बैंक अपने आप सिक्योर हो जाएंगी। ठीक है, कहा गया कि आप ये देखो कि इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है फ्यूचर के हिसाब से। देखो फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हो सकता है रिस्क ज्यादा भी हो कम भी, बट ऑन एन एवरेज आप क्या मान के चलते हो? तो इन्होंने कहा कि भैया देखो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे तो रिस्क हम 0% मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तो सिक्योरिटीज अगर हमने दिए उनको लोन दिया है तो 0% रिस्क पर दिया है। हाउस लोन में 50% का रिस्क है, और जो कार लोन है उसमें 100% का रिस्क है, क्योंकि कल को कार की वैल्यू कम होगी और देने से मना कर दिया उसने प्रिंसिपल अमाउंट, तो कार तो बेचकर उतना पैसा रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। और जो एजुकेशन लोन है इसमें हमारे पास 10% का रिस्क है, क्योंकि कल को ये जॉब लेकर अपने लोन तो चुकता कर ही देगा। लेट सपोज ये रिस्क फैक्टर है, इसे बोलते हैं RF, रिस्क फैक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो रिस्क कितना आ गया आपका? 0 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, रिस्क 0 आ गया। यहां पर रिस्क कितना है? 2 5 10, यानी कि 10 का 100 का रिस्क है। यहां पर कितना रिस्क है?
पूरे 500 रुपये का रिस्क है, यहाँ पर रिस्क कितना है 100 करोड़ का रिस्क है, और ये जो मल्टीप्लाई कर गया इसे बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA, क्या बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स, कितना है ये आ गया 700 करोड़ के क्या आ गए रिस्क वेटेड एसेट्स आ गए। तो पता है बेसल नॉर्म क्या बोलता है, मतलब जो हमारे पास BIS है ना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बोलता है कि आपकी जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स हो, पहले आप निकाल लो उस रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% पैसा आप क्या कर लो CAR कर लो, क्या मतलब CAR कर लो, 8% पैसा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में डाल दो। ये क्या है, एक गुल्लक है, ये देखो ये मैंने एक गुल्लक बनाई है, ठीक है ये एक गुल्लक है, इस गुल्लक के अंदर 700 करोड़ का 8% 8 × 56 यानी 56 करोड़ रुपए इस गुल्लक में डाल दो, 56 करोड़ रुपए इस गुल्लक के अंदर डाल दो, और इस गुल्लक को तब तक मत फोड़ना जब तक इकोनॉमिक में ग्लोबल क्राइसिस ना आ जाए, यानी हर साल जितनी भी बैलेंस शीट बनेगी हर साल 8-8% करके इस गुल्लक में डालते रहे, तुम्हारे पास फंड इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, एक दिन ऐसा है कि इतना ज्यादा फंड हो जाएगा कि कल को और तुम्हारी बैंक डूब भी जाएगी तो इससे पूरा रिकवर आप कर सकते हो। एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। पहले ये बताओ ये चीज समझ आई पूरा भाई साहब, ये चीजें बुकों में देखोगे आपको कहीं नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बैंक की ऑडिट की हुई है, हमारे CA के अंदर क्या होता है ना ऑडिट्स वगैरह होती रहती हैं, तो मैं पिछले 6 सालों से बैंक की ऑडिट कर रहा हूँ, बैंक की ऑडिट का मेरे साथ 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने देखा है कि बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसलिए आप नोटिस कर रहे हो कि बैंकिंग में जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स के साथ पढ़ रहे हैं, तो हम यही चीज़ें निकालते हैं। इवन मैं आपको अगली क्लास में NPA बताऊंगा NPA कैसे निकालते हैं, CA लोग NPA कैसे निकालते हैं, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये बताओ कैपिटल एडुकेसी रेशियो समझ आ गया कितना 8%, इस नॉर्म को क्या बोला गया बेसल नॉर्म, ये जो रूल्स हैं इनको क्या नाम बोला गया बेसल नॉर्म, बेसल एडुकेसी भी बोला जाता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, इस तरीके से। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब मैं आपको इस नोट्स से पढ़ा सकता हूँ, अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देखो नोट्स। अच्छा ये बताओ, ये तो समझ आ गया ना कि बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की तरह होते हैं, बेसल नॉर्म 1, 2, 3 होते हैं, ये इशूड कौन करता है, BCBS करते हैं, ताकि सभी के सभी शेड्यूल बैंक अपनी कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए ताकि बैंक को फेलियर को अवॉइड किया जा सके। बेसल नॉर्म जो है सिर्फ एक रिकमेंडेशन है जो कि RBI ने हमारे इंडिया के अंदर तो मैंडेटरी कर रखा है। अब यहाँ से पढ़ो आपको प्रॉपर समझ आएगा, अब तो प्रो वर्जन बन गए भाई, अब आप अपने आपको किसी से कम मत समझना, अब इकोनॉमिक्स से तो मास्टर बन गए हो, किसी को ये बोलना कि भाई ये इकोनॉमिक्स में तो मुझसे कुछ भी पूछ ले, अभी तो 12 चैप्टर हुए हैं, जिस दिन 21 चैप्टर हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी मास्टरी जो है ना तुम्हारा लेवल खुद बोलेगा, और मैं जानता हूँ तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा लेवल है कि सारे के सारे एस्पिरेंट्स को तुम पीछे कर दो। चलो बात करते हैं बेसल 1, 2, 3। अच्छा अब ये समझ आए बेसल 1, 2, 3 मतलब रूल 1, रूल 2, रूल 3, ये क्या बोलते हैं रूल, कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो को मेंटेन कर। अरे सर अब तो हमें ये बहुत अच्छे से आएगा, कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो कैसे निकालते हो, तो रिस्क वेटेड एसेट्स का 8%, रिस्क वेटेड एसेट्स का 8%। अरे भाई साहब अब तो तुम्हें कुछ भी पूछ लो, मतलब अब तुम UPSC वालों को चैलेंज कर लो इकोनॉमिक्स से कुछ भी, लेकिन अभी नहीं, अभी किस चैप्टर हुए नहीं, अभी मत कर देना, आओ तो मेंटेन करो कैपिटल एडुकेसी, कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ेगी 3 टायर में, टायर 1, टायर 2, टायर 3, बताऊंगा सारी चीज़ हौले हौले, ठीक है। देखो कैपिटल एडुकेसी रेशियो में बोलता है कि जो भी आपके रिस्क वेट टायर 1 की कैपिटल प्लस टायर 2 की कैपिटल प्लस अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट्स इंटू में 100, ये आपकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टायर 1 टायर 2 अभी छोड़ो, रिस्क वेटेड एसेट समझ आया, अरे भाई अभी तुम्हें कराया, ये देखो 700 करोड़ रिस्क वेटेड एसेट्स, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिख दिया वैसे कि कैश में आपका 0% का रिस्क है, भैया कैश तो कैश की फॉर्म में पड़ा रहेगा उसमें तो रिस्क नहीं हो, गोल्ड की वैल्यू कम हो सकती है तो 10% का रिस्क है, सिक्योरिटीज 50% का रिस्क, ये जस्ट एग्जांपल, ये रियलिटी में हो सकता है फिगर कुछ और हो, तो क्या क्या जो भी वैल्यू थी एसेट्स की उसमें मल्टीप्लाई कर दिया रिस्क को, भाई ये देखो एसेट्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया रिस्क से, कैपिटल एसेट्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया रिस्क के, तो क्या आया रिस्क वेटेड एसेट्स आया, और रिस्क वेटेड एसेट्स का मैंने यहाँ पर 8% लिखा है ना, बेसल नॉर्म 1 के अंदर 8% था कि बोला गया था 8%, बेसल नॉर्म 2 में बोले गए 9%, बेसल नॉर्म 3 में भी बोले गए 9%, तो अभी मैंने अपने एग्जांपल में 9% लिख लिया, लेकिन आप जानते हो वैसे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बेसल 1, 2, 3 क्या होते हैं, तो ये 9 और 8% है, इतना कहा गया आपको मेंटेन करना है, मतलब गुल्लक में डालना है, इतना पैसा कॉमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना चाहिए जिससे रिस्क को कम किया जा सके, और टायर 1 और टायर 2 की कैपिटल की फॉर्म होनी चाहिए, इसमें टायर 1 की कैपिटल जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, टायर 2 की कैपिटल थोड़ी कम होनी चाहिए। अभी टायर 1 और 2 को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें ये फॉर्मूला समझ आया, ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, याद कर लो अभी थोड़ी देर के लिए, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट्स, और रिस्क वेटेड एसेट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया, कैपिटल एडुकेसी रेशियो कैसे निकालते हैं 8% या 9%, ये फंडे क्लियर हो गए। चलो अगर ये फंडे क्लियर हो गए तो अब हम आगे चल सकते हैं,
चला आगे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ जो वो तीन रूल्स थे ना, बेसल वन, बेसल टू, बेसल थ्री, वो तीन रूल्स क्या बोलते हैं, ध्यान सुनो। सबसे पहला जो रूल है वो 1988 के अंदर आया। सबसे पहला रूल कहाँ आया था, 1988 के अंदर आया था, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, मतलब BCBS ने पहला रूल कब बनाया था, याद कर लो भैया, ये ईयर याद करना है आप लोगों को कि पहला रूल कब बनाया था, 1988 में बनाया था, जिसमें क्या बोला गया था कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके चलनी है, और इसी को हमने पॉपुलरली क्या बोला था, बेसल वन बोला था। इसने फोकस किया था कि अपने कैपिटल रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको अपने रिस्क को निकालना पड़ेगा, मतलब वो याद है ना, वेटेड रिस्क निकालते थे फिर हम एसेट से मल्टीप्लाई कराते थे। इसने कहा मिनिमम आपको 8%, मैंने अभी बोला था ना कि बेसल वन में कितना बोला गया था कि आपको CAR कितना मेंटेन करना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना मेंटेन करना है, RWA का, रिस्क वेटेड एसेट्स का 8%, साफ साफ लिखा है 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। आई एम रियली सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा हो गया, जहाँ मैं बैठता हूँ भाई ये स्टोर रूम है, मैं सच बताऊँ आप लोगों से क्या छुपाना है, एक छोटा सा स्टोर रूम है, वहाँ पे ना कोई फैन है, फोर्थ फ्लोर पे है ये पूरा स्टोर रूम, और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस टाइम मैं भीगा पड़ा हूँ पूरी तरह से, आपको मैं मतलब कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको अपना पूरा सेटअप, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत चलती है, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, हार नहीं मान सकते। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी, चलो 8% क्या है, रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। अब क्या बोला गया यहाँ पर, मैंने इस कहानी को थोड़ा सा समराइज वे में लिख दिया। BCBS ने फर्स्ट रिकमेंडेशन कब दी थी 1988 में, जिसे बेसल वन कहा गया, और क्या गया, कैपिटल को आपको मेंटेन करना है 8% ऑफ RWA, ठीक है। लेकिन इंडिया ने, अच्छा BCBS ने तो ये कब लॉन्च किया था, 1988 में, क्या सभी कंट्रियाँ उसी साल अपने कंट्री में अप्लाई करवा देंगी, नहीं 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 नहीं, अपनी अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। इंडिया ने इस चीज़ को कब अप्लाई किया, 1999 में। आपको दो डेट याद करनी है, एक तो रियलिटी में कब एग्जिस्ट हुआ 1988 में, इंडिया ने कब माना 1999 में माना, जो पहला बेसल लॉन में, वो सभी कॉमर्शियल बैंक्स पर, इंडिया की सभी कॉमर्शियल बैंक पर किस दिन अप्लाई हुआ था, 1999 में अप्लाई हुआ था। तो अब आप एक बात बताओ, बेसल वन में कितनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोला था मेंटेन करने के लिए, 8%, 8% किसका, RWA का, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मत बोलते ना, RWA क्या बोलोगे, रिस्क वेटेड एसेट्स, बोलो क्लियर है। अब बात करते हैं बेसल टू की, बेसल टू में क्या बोला गया, बेसल टू की मीटिंग कब हुई थी, 2004 में हुई थी, किसने की थी, BCBS ने, BCBS की फुल फॉर्म बताओ, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। जब सेकंड मीटिंग हुई 2004 के अंदर, तो इसको बेसल टू का नाम दिया गया। इसमें बोला गया कि भाई इंडिया ने, अब ये बताओ 2004 में आई थी ना, इंडिया ने इसको कब अप्लाई किया इंडिया के ऊपर, 2015 में। क्या सर ऐसा हो सकता है कि BCBS कोई रूल बनाया और कोई कंट्री उसको बाद में अप्लाई करे, अरे ऊपर नहीं हुआ था क्या, इंडिया ने कितने टाइम बाद, 10 साल बाद किया था, यहाँ पे तो चलो फिर भी इंडिया ने जो है 11 साल के बाद अपने पास रूल अप्लाई कर दिया। तो इंडिया ने इसको कब एक्सेप्ट किया, 31 मार्च 2015 को किया। इसमें मेन फोकस क्या किया गया, जैसे बेसल वन के अंदर ना कुछ चीज़ों की कमी पाई गई जो बेसल टू में पूरी कर दी गई, बेसल थ्री में तीन पिलर्स पर फोकस किया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में बोलेगा कि इनमें से कौन सा पिलर नहीं है, चार ऑप्शन में तीन होंगे, एक नहीं होगा वही सही आंसर होगा। मतलब कहा गया बेसल टू के अंदर तीन पिलर पे, तीन एरियाज पे मेन फोकस होगा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कितनी कैपिटल आपको बनानी है, 8%, यहाँ पे क्या बोला गया, 8%। दूसरा सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी का मतलब है हम ये चेक करेंगे कि कौन सी कॉमर्शियल बैंक ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं मेंटेन कर रही है। तीसरा मार्केट डिसिप्लिन, मार्केट में हमारे बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियाँ कितने लेवल पर उड़ाई जा रही है, मार्केट में सही तरीके से डिसिप्लिन हमारी बातों का हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन तीन चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। बेसल टू याद रखना, बेसल टू 2004 में हुआ था, इंडिया ने इसको 31 मार्च 2015 पर अप्लाई करवाया था, जिसमें तीन पिलर पे फोकस किया था, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके चलेंगे 8%, सुपरवाइजरी का भी काम दिया गया और मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखने का काम दिया गया। वही ये चीज़ बोला है, बेसल टू जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% ऑफ RWA बोलता है। लेकिन भाई साहब इंडिया तो एक कदम आगे चला गया, इंडिया ने कहा नहीं नहीं भाई 8% से हो सकता है फिर हम डूब जाएं, मतलब हम तो डूबे नहीं थे, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं भाई हम तो ना रिस्क को और ज़्यादा लेकर चलेंगे, हम और भी ज्यादा रिजर्व बनाएंगे, कितना परसेंट, 9%। भाई साहब इस बात को लेकर तो इंडिया की तारीफें हुई थी उन दिनों पर कि इंडिया ने 8% किए, 9%। पहली बात तो इंडिया ने इसको मैंडेटरी कर दिया, ऊपर से मैंडेटरी में भी एक कदम आगे जाके कर दिया, 8% नहीं बेटा, कहा गया कमर्शियल बैंक तू 9% बनाओ, जितना ज्यादा रिजर्व बनाओगे उतना ही तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो बताओ आपको बात समझ आई, यही तो मैं आपको बात बोला था कि इंडिया ने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अच्छे कदम लिए। लेकिन बावजूद इसके हमारे नीरव भैया, विजय भैया, हेमंत कोलकरी, ये जितने भी भैया है ना, ये सब चूना लगा के चले गए, मतलब कुछ भी कर लो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वाले रूट्स बनाने में तो नंबर वन है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो आप समझो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बिकॉज मेरा भारत महान। चलो अब आगे चलते हैं, यहां पे अब अगली मीटिंग हुई बेसल थ्री के नाम से। अब आप समझ गए थर्ड मीटिंग है, ये थर्ड मीटिंग कब हुई, 2010 में।
किसके द्वारा? BCBS के द्वारा। फुल फॉर्म बोलो भाई साहब, याद करवा दूंगा तुम्हें। BCBS की फुल फॉर्म बोलो, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इसने क्या किया, इसने कैपिटल एडुकेसी रेशियो को मेंटेन किया और बेसल 3 को बनाया। इंडिया ने इसको कब अप्लाई करवाया? 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 को अरुण जेटली का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। क्या योगदान था? इंद्रधनुष प्लान का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इंद्रधनुष प्लान क्या था। लेकिन बेचारे वो इंद्रधनुष में समा गए, मतलब वो स्वर्ग पधार चुके हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या फोकस किया, यहाँ पर पता है बेसल 3 ने ना थोड़ी सी चलाकी चली, इन तीन चीज़ों को ही लिख दिया, बस आगे वर्ड लगा दिया इन्हांस सुपरवाइजरी इन्हांस मार्केटिंग डिसिप्लिन। इन्होंने कहा पहली बात कि ऊपर कितना बोला था 8%, अब 1% बढ़ा देते 9%। इन्होंने देखा भैया इंडिया ने तो 9% पहले ही मैंडेटरी कर दिया, तो हम क्यों पीछे रहे, तो अगली बार इन्होंने क्या कर दिया 9%। अब आप सोचो सर इंडिया ने फिर 10%, अरे वाजी वाह तुम तो पहले ही समझ गए। लेकिन इंडिया वालों ने कहा अच्छा तुमने 9% कर दिया, हम फिर भी तुमसे आगे रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जितनी भी नई प्राइवेट बैंक खुलेंगे उनको बोल दिया गया 10%, लोकल एरिया बैंक के लिए कर दिया 15%, और जितनी इंश्योरेंस बिजनेस है उनको कर दिया 10%, कि इतना इतना तुम क्या मेंटेन करोगे रिस्क वेटेड एसेट्स का CER, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मतलब हमारा भारत महान, देख रहे हो कितने अच्छे से इन्होंने चीज़ों को डील किया। दूसरा बेसल 3 में क्या बोला गया, इन्हांस सुपरवाइजरी। इन्हांस सुपरवाइजरी मतलब जितना सुपरविजन करते थे उसके लेवल को बढ़ाया जाए। और तीसरा इनहांस्ड मार्केट डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन को और ज्यादा इनहांस किया जाए। कुल मिलाकर आपको बेसल 1 बेसल 2 बेसल 3 समझ आए। अब मैं जानता हूं अब आपके दिमाग में बन चुके खिचड़ी। सर आपको कैसे पता, अरे भाई साहब तुम्हें इतने साल से पढ़ा तो जानता नहीं हो तुम्हें कि तुम्हारी खिचड़ी पकी नहीं पकी। अब तुम्हारी खिचड़ी ना पके इस बात को लेकर पहले ही मैंने कुछ चीजें सेट कर ली थी। वो क्या था, समरी। ये देखो मैंने पूरी समरी भी बनाई हुई कि अगर आप भूल जाओ तो ये चीज़ें दिमाग में प्रिंट कर लो। जहाँ भी आप सोते हो वहाँ की जो दीवार है उस पर ये चिपका दो, जिससे जब भी सोने से पहले इसको देखो तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ कुछ ऐसा भी था। ठीक है, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको मेरी राइटिंग पसंद आती है और आप प्रिंट आउट सीधा निकलवाना चाहते हो, तो ये सारे के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो उस ग्रुप को। ठीक है, समरी क्या है, बेसल नॉर्म की ध्यान देना। अभी जो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं तो बस समराइज फॉर्म है। देखो बेसल 1 बेसल 2 बेसल 3। बेसल 1 सबसे पहले कब आया था, 1988 को, याद है BCBS ने 1988 को लॉन्च किया था। इसको इंडिया ने कब इंप्लीमेंट किया था, 1992 में। आपको कि नहीं नहीं सर 1999 में। भाई इंप्लीमेंट का मतलब है कि लागू, लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ था, फुल इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था, 1999 में होता। हाँ हाँ सर अब समझ आ गया। सर क्या ये वाली याद करने की जरूरत है, नहीं 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 आप ये याद कर लो 1988 में आया था और इंडिया ने पूरी तरह से 1999 में माना था। इसमें क्या रिकमेंडेशन दी थी कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करना है 8%, सिर्फ यही बोला गया था। बेसल 1 में ज़्यादा कोई बात नहीं, पिलर वगैरह कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ बोला गया था CER मेंटेन करो 8%, बस इतना बोला गया था, क्योंकि तब हम नए नए थे, मतलब BIS नया नया था। इसके बेसल 2 की मीटिंग हुई 2004 के अंदर, तो इंडिया ने इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कब किया, 2015 के अंदर, जिसमें तीन पिलर की बात हुई। पहली बात तो यही बोला गया था कैपिटल एडुकेसी रेशियो 8% मेंटेन है, लेकिन इंडिया वालों ने क्या बोला, हम तो 9% करेंगे। सुपरविजनरी फंक्शन दे दिया गया और मार्केट डिसिप्लिन दे दिया, अभी अभी पढ़ चुके हो। इसके बाद बेसल 3, बेसल 3 की जो कमेटी हुई थी वो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, सबसे पहले 2010 में हुई थी। इंडिया ने उसको कब एक्सेप्ट किया, 2019 को, जिसमें तीन पिलर क्या थे कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो 9% मेंटेन करनी है ऑफ RWA, इनहांस, इनहांस वर्ड जोड़ दिया गया, और यहां भी मार्केट डिसिप्लिन में इनहांस वर्ड जोड़ दिया गया। ये आपके तीनों क्या बता दिए मैंने, समरी बता दी। मतलब अगर आप ये पूरा पेज ना याद कर पाओ, ये देखो ये वाला पेज में अगर आपको दिक्कत आए तो आप ये छोटा सा पेज भी बना सकते हो। ठीक है, ये रहा, बोलो क्लियर हुआ। पता नहीं आपको मेरी मेहनत पसंद भी आ रही है फिर सिर्फ मैं ही टाइम पास करूं, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपसे बात करता हूं, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में। ये देखो इसके अंदर टायर 1 और टायर 2 की बात बोली गई थी ना, अब मैं आपको बताता हूं टायर 1 में क्या आता है, टायर 2 कैपिटल में क्या आता है। देखो टायर 1 कैपिटल में आता है पेड अप शेयर कैपिटल, SLR, CRR और अदर डिस्क्लोजर फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनोवेशन फ्लक्चुएशन रिजर्व, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये सारे ऐड करके माइनस कर देते हैं कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडियरी ने की हुई है, और इंटेंजिबल एसेट्स या जो लॉसेस हैं ये सारे हम माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे बोलते हैं टायर 1 कैपिटल। टायर 2 कैपिटल में क्या क्या चीजें जोड़ी थी, अनडिस्क्लोज रिजर्व एंड क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, जनरल प्रोविजन एंड लॉसेस रिजर्व, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर प्लस परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इन सबको ऐड करके टायर 2 की कैपिटल निकल लेती है। याद रखना टायर 1 हमेशा बड़ा होगा, टायर 2 छोटा। हाँ ये दोनों इक्वल हो सकते हैं लेकिन कभी भी टायर 2 बड़ा नहीं होगा। वही लिखा है टायर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टायर 2 कैपिटल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट। दोस्तों इसमें समझाने लग कुछ नहीं था, इसमें तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, सीधी बात है।
क्लियर हुआ। चलो तो मैंने आज आपको बेसल नॉर्म्स के रिलेटेड सारी बातें करा दी, अब जरा बुक से पढ़ते हैं भाई, बुक में भी तो ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी ना, चलो बुक को फॉलो करते हैं। वैसे बुक से हमें ज़्यादा रीडिंग नहीं लगानी क्योंकि बुक में जो चीज़ लिखी वो आपको वैसे समझ आएगी, नोट्स बना लिए बस बात खत्म है, बुक को ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। कहाँ गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसमें ना टॉपिक्स सही तरीके से नहीं दे रखे, बहुत आगे पीछे करके दे रखे हैं। आओ ये रहा देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब आप पढ़ सकते हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, ये वो रेशियो होती है जिसमें आपको इतना रिजर्व तो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, जितनी हाईलाइट किए ये अपनी बुक में भी हाईलाइट करके पढ़ लेना ठीक है। यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, बेसल नॉर्म्स के थ्रू बनाई जाएगी ठीक है। अब बेसल नॉर्म्स में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी इन्होंने वही एग्जाम्पल दिया जो मैंने अभी बोला। अच्छा सी ए आर का फॉर्मूला कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया था अपने नोट से, भाई नोट्स पढ़ लिया तो सफिशियंट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर्मूला टायर वन प्लस टायर टू कैपिटल अपॉन में आर डब्ल्यू इंटू हंड्रेड, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, टायर वन प्लस टायर टू कैपिटल अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट्स ठीक है। इसके बाद ये सारी बातें लिखिए, इनको आप हाईलाइट कर ले, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लो, ये तो बेसल थ्री सब चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ठीक है। बेसल अकॉर्ड, बेसल क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बना सके, प्रमोट किया जा सके नेशनल कैपिटल को, और जो कॉम्पिटेटिव इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर किया जा सके। और हमारे यहाँ पर बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री याद है अभी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो साफ साफ बोला गया है बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री, बेसल वन में क्या बोला गया था कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कितना परसेंट 8% 8%। बेसल टू में क्या बोला गया था कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% तो मेंटेन करना ही करना है, साथ में आपको तीन पिलर पर फोकस करना है, पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट 8%, दूसरा सुपरवाइजरी और तीसरा मार्केट डिसिप्लिन। अभी यही तीन पिलर की बात हुई थी, बेसल थ्री के अंदर इन्हीं तीन पिलर के आगे इनहांस लगा दिया गया था और कहा था जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट वो 8 से बढ़ाकर 9% कर दी जाएगी। और यहां पर देखो मैनेजमेंट को इंप्रूव किया गया, बैंकिंग स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया, ट्रांसपेरेंसी बनाई गई, ये बेसल थ्री, इससे पढ़ोगे ज्यादा समझ आएगा, जो नोट्स बनाए हैं ना उन्हीं से आपको पढ़ना है ठीक है। तो यहां पर हमारा जो बेसल वाला पॉइंट है ये कवर होता है, तो आप जानते हो हमारी क्लास की प्रथा, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम उस पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ हम ऑलरेडी अपने पास कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पढ़ा और बेसल थ्री के कंप्लायंसेस को पढ़ा, जिसमें बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री ये सारी चीज़ें पढ़ ली। तो अब इस पर कर देते हैं ये लो टिक, क्लियर है। यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है बट मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप हमारा एक चैनल है जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, उस पर हम डेली द हिंदूज न्यूज़पेपर का एनालिसिस डालते हैं, जिसके बाद आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स समझ में आ जाएंगे ठीक है। तो आप उस चैनल को भी पैरेलली सब्सक्राइब कर लेना, उसमें भी यार लाइक वाइक ठोक दिया करो यार, इतना तो कर ही सकते हो। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।